प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 11 वचन। तो बच्चों, वचन के कारण भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों की रूप रचना बदल जाती है। इस कारण यह भी एक विकारक तत्व है, क्योंकि वचन से हम शब्द का रूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज हम वचन का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, वचन किसे कहते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से कि वह वस्तु एक है या एक से अधिक है, तो जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एकवचन, दूसरा है बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने का पता चलता है उसे एकवचन कहते हैं, कि शब्द हमें एक का बोध करा रहा है या अनेक का बोध करा रहा है। तो शब्द के जिस रूप से हमें किसी एक वस्तु का होने का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ताला, बेटा, रात, गाय, मेज आदि, ये सब क्या हैं, एकवचन के रूप हैं। दूसरा आता है बहुवचन। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक से अधिक होने का बोध होता है या उसका ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, कि शब्द का जो रूप है वह हमें बहुत वस्तुओं का ज्ञान कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए ताले, बेटे, रातें, गायें, मेजें आदि। तो ताले यानी बहुत सारे ताले, बेटे यानी बहुत सारे बेटे, रातें बहुत सारी रातें, गायें बहुत सारी गायें। बच्चों, हमने आज अध्ययन किया संज्ञा के विकारक दूसरा तत्व वचन, और वचन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हमने पढ़ी, इसके कितने प्रकार हैं इनका अध्ययन हमने आज किया। और सभी बच्चे, वचन की परिभाषा, इसके कितने भेद हैं और उन भेदों की परिभाषा और उदाहरण अवश्य याद करें।